अस्सलामुअलैकुम, एसएस फूड किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए चिकन शामी कबाब की और फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूं। तो चलें व्यूअर्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पे बटर लगाऊंगी। तीनों स्लाइसेस को बटर लगा लिया है। अब हम इसको एक पैन में सेक लेते हैं। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी हम अच्छे से बटर लगा लेंगे। सैंडविच के लिए स्लाइसेस को मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल के लूँगी। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं। इधर मेरे पास एक अंडा है, अब मैं वो फ्राई करूँगी। अंडे में 1 चुटकी नमक की और 1 चुटकी काली मिर्च की जाएगी। हमारा फ्राई हो चुका है। अब फ्लेम ऑफ कर अंडा हम निकाल लेंगे। अब मैं स्लाइस पे मायोनीज की लेयर लगाऊंगी। और अब इस पे शामी कबाब रखूंगी। आपको शामी कबाब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फिर ब्रेड आएगी और फिर मायोनीज की लेयर। अब खीरे और टमाटर। फिर ब्रेड का स्लाइस आएगा। फिर मायोनीज की लेयर। अब जो एग फ्राई किया था अब वो जाएगा। और लास्ट वाले पीस पे भी मैं मायोनीज की लेयर लगाऊंगी। फोर लेयर्स हमारा सैंडविच बन चुका है। अब इसको सैंडविच शेप में कट कर लेंगे। अब टूथपिक की मदद से दोनों साइडों से मैं सैंडविच को कवर कर लूँगी ताकि बच्चे इसको इजी से पकड़कर खा सकें। देखिए व्यूअर्स, सैंडविच की कितनी अच्छी लुक आई है और ये देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं। फ्राइज के लिए इधर मेरे पास आलू हैं और अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं बेसन का ऐड करूंगी, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टेबलस्पून ही ब्लैक पेपर का ऐड करूंगी। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी।
ये फ्राइज इतनी मज़े की बनेंगी कि बच्चे इसको बहुत लाइक करेंगे। इधर पैन में मैंने एक कप ऑयल का डाला है, जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम फ्राइज इसमें डाल देंगे। हो चुका है, अब मैं फ्राइज इसमें डालती हूँ। फ्राइज़ को डालकर फ्राइज़ को बार बार हिलाएं मत, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने बेसन की कोटिंग की है इसको बार बार हिलाने से वो उतर जाएगी। फ्राइज़ का कलर लाइट ब्राउन होने लगे हैं, अब हम इसको हिलाना स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं बेसन की कोटिंग कितनी अच्छे से फ्राइज़ पे आ गई है। हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, अब हम इसको प्लेट में निकाल के डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, हमारे चिकन शामी सैंडविच और फ्राइज रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बनाकर ज़रूर दीजिएगा, बच्चे इसको ज़रूर पसंद करेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के लिए देखते रहें SS फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।